Hi, I'm Ali Merchant and you're watching me on Teleglam. Yeah. Hi Ali, welcome to Teleglam. Thank you. बहुत खुश हूँ. वो एक रियलिटी शो था. रियलिटी शो का प्लस पॉइंट ये होता है कि लोग आपको आपके नाम से जानना चाहते हैं, और एक्टिंग का मज़ा ये है कि उससे खूबसूरत चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि वो फिल्म मेकिंग में आती है. और कहीं ना कहीं हम सब यहाँ जो भी है, हम सब फिल्म मेकिंग के दीवाने हैं, और दुनिया में उससे खूबसूरत चीज़ नहीं होती. और उसका पार्ट होना और इतने सालों बाद आना इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत ज़्यादा मैं एक हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, कबीर सिंह अहलावत, जो शो का लीड है. और इसमें मैं सब कुछ कर लेता हूँ. दो लड़कियों के साथ रोमांस भी कर रहा हूँ, और बाइक भी चला रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, घोड़े भी चला रहा हूँ, लोगों को धो भी रहा हूँ, धुल भी रहा हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा, 30-35 चेंजेस है मेरे. तो आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन फॉर पीपल टू वॉच ऑल्सो. टू स्पीक इन हरियाणवी, टू पुट ऑन 10-12 केजीज, और सबसे चैलेंजिंग था टू किस बोथ द गर्ल्स, यू नो, क्योंकि बींग फ्रॉम 10 साल पहले जब यू नो मैंने ब्रेक लिया था एक्टिंग से, तो आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ टेलीविजन, तो उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं था, है ना, उसमें बस देख लो तो वो हो गया, ठीक है. पर यहाँ पे यू हैड टू, तो आई वॉज वेरी नर्वस, तो मैं दोनों एक्ट्रेसेस को भेजता था कि ऐसे या ऐसे. फिर मैं डायरेक्टर को पूछता था, आई थिंक ऐसे ठीक लगेगा, ऐसे खराब नहीं लगेगा. सो या मुझे समझ में ही नहीं आया. मैं बोला ओके ठीक है, मैंने मुझे यही लगा कि यार इसमें मेरे बहुत सारे चेंजेस हो गए, क्योंकि लिबास, राइट, तो यही मेरे थॉट में था, और यही उम्मीद कर रहा था कि हाँ ऐसा ही कुछ हो, और ऐसा ही कुछ हुआ. यार फेवरेट तो बिग बॉस है ना, डेफिनेटली. एक्चुअली सारे ही फेवरेट है, यू नो, और सपोर्ट जो भी इंटेग्रिटी के साथ खेलेगा विद गुड मॉरल वैल्यूज, उसे ही सपोर्ट करूँगा. अब पता नहीं कौन कौन है उसमें, पर आई एम श्योर मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे उसमें. बहुत कम, पर आई थिंक 3 सीजन्स है जो मेरे फेवरेट रहे. एक है जिस सीजन में मैं एज अ गेस्ट था, वो एक है गौहर खान वाला सीजन 7, और एक है सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 13. आई थिंक ये 3 सीजन है जो मुझे सबसे उमदा लगे हैं. मैं जीत क्या होगा यार, 100%, 200%, क्योंकि अब मैं समझ गया सारी है. बस मेरी एक्स नहीं होनी चाहिए उसमें, बस, क्योंकि वहाँ पे मेरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि आई कांट टेक नेगेटिविटी. सो टीना दोस्त है मेरी, श्रीजीता दोस्त है मेरी, तो आई होप जो भी बेटर रहेगा वो जीते. हाँ आई थिंक कोई और ही जीतेगा. टीना और श्रीजीता चलो जीत गए तो अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कोई और जीतेगी वो. गाइज, माई नेम इज़ अली मर्चेंट, और बहुत टाइम बाद आई एम बैक इन टू एक्टिंग, सो आई विल नीड अ लॉट ऑफ योर लव एंड सपोर्ट. अगर अच्छा नहीं लगा मेरा काम तो ही बताइए, अच्छा लगा तो ही बताइए, सो आई डू समथिंग बेटर नेक्स्ट टाइम. एंड बस खुशियाँ देते जाओगे आपको, और एंटरटेनमेंट आता जाएगा. थैंक यू.